अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्किल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किसी भी वीडियो को कंप्रेस कैसे कर सकते हैं या किसी भी वीडियो का साइज़ जो वो कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम किसी वीडियो को कंप्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके से अगर आप किसी वीडियो को कंप्रेस करते हैं तो आपकी वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं गैलरी ओपन करके एक वीडियो दिखा देता हूँ जिसको जो है मुझे कंप्रेस करना है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है, इनमें से मैं एक वीडियो को जो है वो कंप्रेस करूँगा। तो यहाँ पर आप सकते हैं 1 मिनट 50 सेकंड की ये वीडियो है, तो मैं इसको कंप्रेस करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्ले करके दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी क्वालिटी है, तो इसको हम कंप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं डिटेल में आके आपको इसके साइज़ जो वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 51 MB तकरीबन इसका साइज़ है। और अब जो है हम इस वीडियो को कंप्रेस करेंगे। तो इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, प्ले स्टोर से एक ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका नाम है वीडियो कंप्रेसर। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सिंपल इस ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्रेस वीडियो, यहाँ पर जितनी भी आपकी वीडियो के फोल्डर होंगे मोबाइल के अंदर वो यहाँ पर आ जाएंगे, और कंप्रेस फोटो के अंदर जितनी भी आपके मोबाइल के अंदर फोटो के फोल्डर होंगे यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर आप फोटो को भी कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कंप्रेस वीडियो वाले पर आता हूँ, और यहाँ पर अब जिस फोल्डर जिस भी वीडियो को आपने जब कंप्रेस करना है तो उस फोल्डर को आपने ओपन करना होगा। यहाँ पर मैं जिस स्क्रीन रिकॉर्डर वाले एक फोल्डर को ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था 1 मिनट 50 सेकंड की ये वीडियो थी। यहाँ पर थोड़ा सा कम दिखा रहा है, 49.1 MB दिखा रहा है, खैर 1 MB कम है, तो हम इसको कंप्रेस करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखते हैं कंप्रेस वीडियो कट एंड कंप्रेस। यहाँ पर आप वीडियो को कट और कंप्रेस कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट MP3 मतलब आप MP3 में वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं, वीडियो को प्ले कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर जो वो कर सकते हैं। तो हमें वीडियो को कंप्रेस करना है, मतलब वीडियो को साइज़ कम करना है, तो मैं कंप्रेस वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर हाई क्वालिटी सेलेक्ट होगा, आपने हाई क्वालिटी ही सेलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर लो क्वालिटी या कस्टम यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपने हाई क्वालिटी ही सेलेक्ट रहने देना है। उसके अलावा अगर आप वीडियो की ऑडियो डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपने इसको चेक मार्क कर देना है। लेकिन अक्सर लोग मुझे पता है कि वीडियो की जो ऑडियो वो डिलीट नहीं करना चाहेंगे, तो आपने इसको खाली रहने देना है। तो यहाँ पर अगर आप 95% अपने वीडियो को कंप्रेस करते हैं तो 44.7 MB होगा उसका साइज़ वीडियो का। अगर 90% करना चाहेंगे तो 40.6 MB होगा। अगर आप 85% करना चाहेंगे तो 36.7 MB होगा। तो ज़्यादातर जो वीडियो कंप्रेस करते हैं वो 720p में करना चाहते हैं करते हैं मतलब जो 720p है ये HD साइज़ है, तो इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी वीडियो को कंप्रेस करते हैं। तो मैं भी इसमें कंप्रेस करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद वीडियो जो है ऑटोमेटिक कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। ये बैकग्राउंड में भी आपकी जो है वो कंप्रेस हो रही होगी। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में शो हो रहा होगा इस तरह ऊपर। तो ये कंप्रेस हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो साइज़ है वो कितना कम हो गया। तो यहाँ पर आप देखते हैं हमारी वीडियो जो वो कंप्रेस हो गई है, यहाँ पर 99%, और ये वीडियो हमारी जो वो कंप्रेस हो गई है। तो मैं यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर में दिखा देता हूँ ये वीडियो, और इसका साइज़ भी दिखा देता हूँ। तो इसका एक फोल्डर होगा आइडिया वीडियो कंप्रेसर के नाम से, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी आपने वीडियो को कंप्रेस किया होगा वो यहाँ पर आपको शो होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका साइज़ क्या है। यही वाली वीडियो है कि दूसरी है, एक और भी वीडियो थी यहाँ पर सेम वीडियो, इसको पहले भी मैंने कंप्रेस किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17.32 MB इसका साइज़ हो गया। दोनों सेम वीडियो है तो आप दोनों वीडियो के नीचे जो है वो देख सकते हैं इसका साइज़ जो है 17.32 MB हो गया। पहले कितना था, 51 MB था तकरीबन। तो इस तरह अगर आप किसी वीडियो का साइज़ कम करना चाहते हैं तो जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ मैं आप वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, तो इसकी जो क्वालिटी है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।